हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। वैसे तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन उसका दिल बसता है अहमदाबाद में। और ये हमने यहाँ 2 दिन रहकर अच्छे से अनुभव किया है। 2 दिन? जी हाँ, आपने सही सुना, 2 दिन। आप कंफ्यूज ना हो, हुआ ये कि कल हम ब्रेकफास्ट के बाद भुज के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी हमारे एक ओवरलैंडर फ्रेंड का फोन आ गया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम लंच उनके साथ ही करें, तो फिर हम भी निकल पड़े उनसे मिलने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि हम किस गाड़ी में बैठे हैं, तो सिंस इतना ज्यादा ट्रैफिक था तो हमने अपनी फ्रेंड की कार ली है, अब उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो फाइनली टाइम आ ही गया आपको हमारे अहमदाबाद वाले ओवरलैंडर्स फ्रेंड को मिलवाने का। ये है मिस्टर संजॉय और उनके साथ बैठी है उनकी वाइफ स्मिता, उनके पास बैठे हैं मिसेस फाल्गुनी, फिर मैं, और मेरे पास बैठे हैं मिसेस मयूरी एंड मिस्टर यज्ञेश, और अभी आप देख रहे हैं मिस्टर हरीश जी को, जिन्हें आप यूट्यूब की दुनिया में फलाहार नोमैड्स के नाम से भी जानते हैं। इन सबको आपने फर्स्ट इंडियन ओवरलैंडिंग कैंपिंग में कुनो, बिसलपुर और पुष्कर में भी देखा होगा। अब टाइम आया कुछ गरबा सीखने का। गरबा करते करते संजॉय जी और हरीश जी आसाम की वादियों में पहुंच गए और फिर शुरू हो गया बिहू। चलो रुचि जी और दीपक जी गुजरात में आए हैं, उस खुशी में उनका जलेबी खिला के स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर संजॉय के घर में फलाहार नोमैड्स एंड मिस्टर यज्ञेश जी का आना हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो इतनी दूर से हमसे मिलने आए। थैंक यू सो मच फलाहार नोमैड्स, मिसेस फाल्गुनी, मिस्टर हरीश। लंच करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, इसीलिए हमने अपना प्लान एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। रात को हम निकल पड़े अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब वापस आते हैं आज की जर्नी की तरफ, जो है डे 3 अहमदाबाद से भुज। फ्रेंड्स, आज का टोटल डिस्टेंस 336 किलोमीटर अहमदाबाद से भुज तक का। इम्पोर्टेंट जगह बीच में आएगी धरनधारा, रोड बहुत ही अच्छी है। गुजरात की सारी रोड्स ही बहुत अच्छी हैं एक्चुअली ना। एब्सोल्युटली, टाइम डिस्टेंस कम लग रहा है। अगर देखा जाए तो उसकी सिमिलरिटी कुछ कुछ गुड़गांव जैसी लग रही है हमको, जिस हिसाब से यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं। आने वाले दिनों में जब मेट्रो शुरू हो जाएगी तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिटीज इन इंडिया। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने यह फरमाइश की थी, वो देखना चाहते थे कि हमारी वैन अंदर से कैसी दिखती है जब हम ऑन मूव होते हैं। तो यह शॉट है आपके लिए।
वैसे तो हमारी मैरिज को 20 साल होने वाले हैं, पर इस चलते फिरते घर में भी हमारी प्यार भरी नोकझोंक होती ही रहती है। लाकू पति पगली गई, पगली औरत, पगली पगले पगली गई पगलाट पगलाट। सम लस्सी टाइम, मसाले वाला सॉल्ट। अगेन दिस इज गेम चेंजर, बहुत छोटा है, अच्छा है। आपको मिल्क शेक बनाना है, लस्सी बनानी है, तो चार्ज कर दो। अमेजन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू। दीज अ कर्टेसी फलाह नोमैड्स। फ्रेंड्स, इस जंक्शन से अगर लेफ्ट जाएंगे तो आपका मोरबी आ जाएगा, राइट जाएंगे तो कांडला, इसके अलावा भुज एंड रन ऑफ कच्छ का रास्ता राइट को पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने हरे खेत तो बहुत देखे होंगे, देखो ये है नमक के खेत। यह हमारा पहला चांस है जब हम किसी क्रीक को क्रॉस कर रहे हैं। क्रीक का मतलब है समुद्र का वह पतला हिस्सा जो धरती के काफी अंदर तक आ जाता है, और इसी पानी को छोटे छोटे खेतों में इकट्ठा करके नमक का उत्पादन होता है। ओके, लंच टाइम। ये हमारा लंच बनाने का वेन्यू। क्या बना रहे हो मैडम आज? तो लंच टाइम पीली वाली दाल और चावल, अरहर दाल, अरहर की दाल, प्याज टमाटर वाली। फ्रेंड्स, जब तक हम लंच करते हैं, आप इस इलाके के ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। लंच हो गया है, अब चलते हैं आगे भुज की तरफ। चले फिर। चलो। खाते रहे मैडम आज, ठीक है? लंच भी खा रही है, दाल चावल अपनी भी खा ले, पापड़ा खा करा। अच्छे लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। अभी हम भुज से 50 किलोमीटर दूर ही थे कि तभी हमारे बहुत पुराने कलीग का कॉल आया,
कि भुज में आज हमारे साथ ही रहना है और वो खुद हमें रास्ते में रिसीव करने आए। तो आज तो हम उनके साथ ही रहेंगे, पर कल से हमारी एक्चुअल वैन लाइफ स्टार्ट होगी, जहां हम पूरी तरह से अपनी वैन पे ही डिपेंड रहेंगे। सभी हमारी वैन को और हमारी नई लाइफस्टाइल को देखकर बहुत खुश थे और हमें बहुत अप्रिशिएट किया। इतने सालों बाद सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम सब ने इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए इसे ऐसे सेलिब्रेट किया। ओके, वी हैव फ्रेंड हियर शुभी। यारो समलना मुश्किल हो गया। डिनर के बाद हम सोने ही जा रहे थे कि तभी हमारे एक सब्सक्राइबर हमको ढूंढते हुए भुज आ गए। मिले He had been following us. Rakshit, क्यों बताओगे अपने बारे में? बस मैं ये देखना चाहता हूँ, स्पेशली मिलने आ गया। थैंक यू सो मच। और सबसे बढ़िया बनाया है, मेरा यही ड्रीम है। थैंक यू। बनाया जाए एक कैरवान। मैं सबको लिखता रहता हूँ कि चेज योर ड्रीम्स, ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो सपना देखो तो पक्का पूरे होंगे आपके। नहीं, देख रहे हैं तो पूरा होगा ही, लॉकडाउन से देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। कल फिर मिलेंगे अपने वैन लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।